हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्किन, उसके पहले तो एल्किन और एल्काइन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे कैसे किया जाता है, फिल्म उसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ आप लोग एक चीज और कीजिएगा, यदि आप लोग मेरे वीडियो नहीं देखेंगे इसके पहले वाला, तो थोड़ा देख लीजिएगा कि उस पर उसी रूल पे सारा रेगुलेशन पे ये जो आज का नोमेनक्लेचर उसी पर बेसिस पे आप लोग उस वीडियो को जाकर पहले देखिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्किन या तो एल्किन बाय लेवोसिर केमिस्ट्री, वहां पर डिटेल पर मैंने समझाने की कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं जो आज पढ़ने वाला हूँ, क्या पढ़ने वाले हम लोग, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन एंड एल्काइन, क्योंकि एल्किन और एल्काइन में डिफरेंस एक्चुअली में होता है क्या, एल्किन जो होता है सिंगल डबल बॉन्ड को कंटेन करता है और एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम भी इस तरह से किया जाता है, दोनों को अगर मिला देता हम लोग क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो क्या है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों उसको बोलते हैं, सब डिटेल ब्रो मैंने पहले वीडियो में बता चुका है, यदि आप लोग मेरा पुराना मतलब मेरे हर एक वीडियो आप लोग देखते हैं तो हर एक पॉइंट का समझते भी होंगे। ठीक है ना, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन और एल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, साथ ही साथ उसके साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले, साइक्लो एल्किन ग्रुप को भी पढ़ने वाले। साइक्लो एल्किन किसे कहते हैं, वैसा कंपाउंड या तो वैसा क्लोरोजन जो कंटेन करता है कम से कम वन ट्रिपल बॉन्ड इन क्लोज चेन इज कॉल्ड साइक्लो एल्किन कंपाउंड। ठीक, उसी को बोल देंगे साइक्लो एल्किन कंपाउंड, तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्किन का आप लोग पता होना चाहिए, एल्किन किसको कहते हैं, वैसा चेन जो कहीं डबल बॉन्ड को कंटेन कर दिया हो जाएगा आपका एल्किन ग्रुप, जैसे ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर दिया उसको बोल देंगे एल्काइन ग्रुप। ठीक है, ये एल्काइन ग्रुप, ये एल्काइन ग्रुप का चेन और ये एल्किन ग्रुप का चेन, इसी का नाम पर हम लोग जो बड़ा बड़ा चेन बन जाएगा, जब यहाँ पे इतना बड़ा चेन बन जाएगा, इधर चेन बन जाएगा, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे उसको डिटेल पर समझने वाले। ठीक है ना, और इसके पहले वाला को आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पहले वाला जितना वीडियो आप लोग देख कर ही सबको देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोग को जो मतलब एल्किन कंपाउंड है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन बोल दीजिए, मतलब उसका डिटेल प्रूफ मैंने समझाया है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, सम ऑफ लॉन्गेस्ट पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस पॉइंट, फिर डिफरेंस पॉइंट ऑफ क्या होते हैं, सब सारा डिटेल प्रूफ मैंने समझाया, वहां पर सेवन टोटल मैंने बताया है, उसको पहले आप लोग देखिए, उसके बाद देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, तब ताकि समझ में आप लोग बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन एल्काइन को कैसे हम लोग करेंगे डिटेल प्रूफ समझने वाले। ठीक है, देखिए मैं जो इसका रोल जो था उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए, इसका तीन चार रोल लिया है, लेकिन रूल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर समझ में आ जाएगा तो रूल से मतलब नहीं, आपको थोड़ा समझना ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से फोकस कीजिए, थोड़ा फोकस से ध्यान से देखिए, बोला सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कार्बन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब आपको इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन को लेना है जो कंटेन कर सके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है ना, ऐसा आपको को लेना है। ठीक है ना, ऐसा इसमें करना क्या, हम लोग पहले से करते आ रहे थे, हमसे हमेशा हम लोग क्या करते थे, लॉन्गेस्ट चेन को लेते थे, बट आपको लॉन्गेस्ट चेन तो लेना ही है, बट उसके पहले आपको प्रायोरिटी क्या देना है, उसके पहले आपको क्या लेना है, उसके पहले आपको ये लेना है कि जिधर से आपको ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल सके, अगर डबल बॉन्ड मिले या तो ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर को मिल सके। अब इस पॉइंट को देखिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने की, इसी पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन लेने के बारे में बोले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन किधर से लेना दे देगी, सपोज इधर से मैं कार्बन और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इतना मिल जाएगी, ठीक इतना ले लिया, अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर 6 7 आया, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 आया, लॉन्गेस्ट चेन में 7 था। ठीक, मैं फिर नीचे जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आया, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 आया, बट अगर मैं इधर से लेता हूँ स्ट्रेट लाइन में तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा कितना 7 बन रहा है कार्बन की संख्या, बट मैं इधर से लेकर के इधर आता हूँ तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो लेना है वैसा लॉन्गेस्ट चेन लेना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, या तो डबल बॉन्ड कंटेन करे या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को कंटेन कर सके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3 कंटेन कर रहा है, बट इस तरह से मैं जितने लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ तो 1 2 1 2 बस 2 ही कंटेन है, देखिए 2 ही कंटेन कर रहा है ना, अगर मैं इस तरह से लेता हूँ तो 1 ही कंटेन कर रहा है, तो इसका समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन लेने की बारी है तो हमको लॉन्गेस्ट कुछ इस तरह से लेना, ऐसा नहीं रहना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को मिल गया, अगर हमको यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल गया तो लॉन्गेस्ट चेन सीधा लेना, ऐसा नहीं करना, आपको लेना कैसे, ऐसे रहना कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को कंटेन कर सके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेन यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है, आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, एक बात हम लोग को यहाँ पे और ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको उसी को लेना है, लॉन्गेस्ट चेन आपको उसी को लेना है जो जिस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको मिले। ठीक है,
सेलेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा कि सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कार्बन विच कंटेन दी, ठीक है, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 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 विच कंटेन दी नंबर ऑफ विच कंटेन दी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मैंने आपको सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जो कंटेन करता हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको डबल मतलब लॉन्गेस्ट चेन लेने के चक्कर में आप डबल बॉन्ड को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। फिर यहाँ पे और समझिए, यहाँ पे कैसे करना है, 1 2 3 4 5 इधर से 5 है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे पहले से जो मैंने आप लोग को बताया था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन ग्रुप, तो मैंने वहां बताया था कि आप लोग को लॉन्गेस्ट चेन इस तरह सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या हो सके, ठीक है। बट उस नियम के अनुसार अगर चलेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लेना है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन तो लेना ही, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन को आपको मतलब कंसीडर करना है, उसको मानना है जिसमें कार्बन एटम कंटेन करे, जो डबल बॉन्ड को कंटेन करे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, 6 हुआ ना, बट मैं इस तरह से लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो बता रखा है कि आपको उस लॉन्गेस्ट चेन को लेना है जो कार्बन एटम को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन तो मेरे को ज्यादा मिल रहा है, बट ये जो डबल बॉन्ड वाला है डबल बॉन्ड हट जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो हम लोग किस तरह लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। आई होप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, अगर बढ़िया से ध्यान से देखते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन के बारे खत्म हो गया, लॉन्गेस्ट चेन बढ़िया तरीके समझ में आ गया आप लोग, लॉन्गेस्ट चेन आपको किस तरह से लेना है समझ में आ गया, ठीक। दूसरा फिर पॉइंट समझिए, नंबरिंग इन सच ए वे दैट, ठीक है, नंबरिंग आपको उन साइड से करना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट लॉन्गेस्ट लोकेशन, माने इस तरह से आपको नंबरिंग करना है कि जो आपका डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड वो हमेशा लोवेस्ट लोकेशन माने कम माने नियरेस्ट मिल सके, माने जिधर से आप नंबरिंग कीजिएगा उधर लोवेस्ट मिल सके। और देखिए किस तरह से करना, सपोज अगर मैंने नंबरिंग करना शुरू किया तो यहां से मैं करता हूं तो 1 2 3 4 5 इधर है 5 नंबर, माने 1 नंबर, क्योंकि देखिए एक बात मैं और ध्यान रखिएगा, यहां पे जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का है ना कुछ जगह माने कुछ ना कुछ पोजीशन लेगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है कुछ ना कुछ अपना पोजीशन मतलब दिखाएगा कि मेरा पोजीशन यहाँ, तो यहाँ पर पोजीशन आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाऊंगा मैं, लिखूंगा इसका मतलब नाम का पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं काउंट करना चाहूंगा 1 2 3 4 5 इधर से कितना ना 4 5 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर उसके अनुसार मैं चलूंगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बोल के रखा है कि आपको नंबरिंग वो साइड से करना है जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल जो है वो लोवेस्ट लोकेशन पर मिल सके, मतलब बहुत कम नंबर में मिल सके, इसलिए हमको नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, इधर से ना, क्योंकि इधर से करते हैं तो फोर्थ नंबर पर जाता है फाइव नंबर पर, इसलिए हमको करना पड़ेगा इधर से 1 2 3 4 5 इस तरह से करना पड़ेगा। आई होप लोगों को समझ में आ ही रहा हो, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने क्यों देखिए इस तरह से किया, तुमको डबल वन ट्रिपल वन कहा लोएस्ट पोजिशन में मिला कि नहीं, मतलब सबसे नजदीक मिला कि नहीं मिला, तो नजदीक मिला, ठीक है। एक पॉइंट कंप्लीट करो, यहाँ पे करना चाहेंगे किस तरह करेंगे, देखिए इधर से मैं करता हूँ तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा, देखिए अगर मैं इधर से किया तो कहाँ कहाँ पे आया, देखिए एक बात और आपको याद रखना है, इसमें जो सबसे पहला जो आता है उसी को आपको कंसिडर करना नंबरिंग, यहाँ पे आपको 2 जैसे देखिए यहाँ पे मैंने काउंट किया ना 2, तो आपको 2 को कंसिडर नहीं करना है नंबरिंग, जब लिखेंगे इसे लिखेंगे पेंटिन वगैरह लिखेंगे, तो यहाँ पर पेंटिन लिखेंगे ना तो पेंट 2 इन लिखेंगे, ठीक है, 1 इन लिखेंगे, क्योंकि जहां से आपको नियरेस्ट डबल बॉन्ड मिल रहा है वहां से आपको उस नंबर को लेना। सब समझ में आएगा, ध्यान को देखिएगा तो, ठीक है, सब समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पे हम जो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 पे आया, कितना कितना पर डबल बॉन्ड आया तो 1 पे आ रहा है, और कितना पे इसके लिए 2 पे आ रहा है, ठीक है ना, 2 पे, और इधर से मैंने गए कहां पे 5 पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लगाएंगे कौन क्या लगाएंगे, लोवेस्ट पॉइंट टूल या तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पे लगा सकते हैं, ठीक है, उसके अनुसार चलते हैं। इधर से मैंने किया यहाँ पे, अब मैं इधर से करता हूँ 1, ठीक, 1 2 3 4 5 6 इधर से कितना नंबर पाया, एक बार आया 1 पे नंबर पे, फिर उसके बाद कितना नंबर पे आया 5 नंबर, तो उसके बाद कितना है 6 नंबर पे। तो देखिए देखने से पता चल रहा है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पढ़िए हर एक पॉइंट वीडियो को देखते हुए तो आप लोग समझ में आ जाने और आसानी तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के अनुसार, किसके अनुसार देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अनुसार। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बोलता है कि दोनों का जो पहला पहला जो मतलब पॉइंट है उसको कंपेरिजन करके देखिए। इसमें मैंने कंपेरिजन करना शुरू किया, दोनों में सेम है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम हो गया। बट इसमें मैंने देखना शुरू किया इसमें क्या है, इसमें 2 है इसमें 5 है, मैंने ये जो है छोटा हो गया, ठीक है, तो जो छोटा तो उसी को मानते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे, इसको मान लेंगे तो ये वाला इसको मान लेंगे, ठीक है, और नीचे वाला जिसको इधर से किया गलत हो जाएगा, ठीक, ये वाला गलत है। आई होप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने ये वाला जो मैंने किया मतलब इसका जो लिया जो मैंने लॉन्ग मतलब नंबर किधर से लेना पड़ेगा, इधर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और यहाँ पर समझ लीजिएगा, इसमें जो प्रायोरिटी देना है सबस्टिट्यूएंट का मतलब समझ ही गए होंगे, सबस्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट क्या होता है, उसको ब्रांच बोलते हैं जो यहाँ पर लटका हुआ है, इसी को बोल देंगे सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, ब्रांच को बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि सबसे जो आप प्रायोरिटी देना सबसे पहले किसको देना है, सबस्टिट्यूएंट, सबसे पहले किसको देना है, तो आपको देना है इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद देना सबस्टिट्यूएंट को देना है,
डबल वन ट्रिपल वन को, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखिएगा, आई पुट डबल वन और ट्रिपल वन, या तो डबल वन ट्रिपल वन दो टाइम्स, मैंने दो बार है तो लिखेंगे डाइन, जैसे यहाँ पे कितना बार आ गया, तीन बार लगे, तीन को क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राइस, ट्राइन लिखेंगे, और आयन ग्रुप पर क्या, ट्रिपल वन को क्या लिखेंगे, ट्राइन, ट्रायन, ट्रायन, डायन, डायन, डाइन, डायन, ट्राइन, ट्रायन, इस तरह फोर्थ टेट्राइन, टेट्राइन, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, इसके पहले मैं 100% सब समझाया गया, सब बढ़िया तरीके से बताया गया, ठीक है। अब बात है इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक, चलते फिर नाम को स्टार्ट करते हैं, किसका लिखे नाम, जगह तो बच नहीं, इसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक, देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या करना पड़ेगा, नाम लिखने के लिए वही जो है नाम का बड़ा, सबसे पहले नाम देखे होंगे पढ़े होंगे, नाम का जो एक्चुअली में जो होता है क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्या आता है, सबसे पहले आता है ब्रांच, देखिए ना, ब्रांच के बाद क्या आता है, ब्रांच के बाद आता है आपका ए साइक्लोएल्केन कंपाउंड, साइक्लो ग्रुप कंपाउंड, यही आता है ना, उसके बाद क्या आता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यार, इसको राइट में अलग है, ठीक है ना, साइक्लो, उसके बाद प्लस में क्या आता है, साइक्लो के बाद आता है वर्ड रूट, स्मॉल बोलते हैं मीथ एक ग्रुप वगैरह, उसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, स्मॉल बोलते हैं एन इन वगैरह जो होता है, यही होता है ना, उसके बाद क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, इसको आप लोग 100% बढ़िया तरीके से उसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो होता है ब्रांच, मतलब समझते हैं अल्काइल ग्रुप जो हो जाता है, ये जो कुछ साइक्लो कंपाउंड मैंने क्लोज चेन के फॉर्म में, ये क्यों बनता है, मीथ वगैरह आता है, ठीक, मीथ ग्रुप वगैरह, इसमें क्या आता है, अगर एन ग्रुप हो जाएगा तो एक सिंगल बॉन्ड, आयन ग्रुप, इन ग्रुप हो जाएगा डबल बॉन्ड, आयन ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल वगैरह जो आने वाला वही आने वाला, ठीक, इसको अनुसार चलना है आपको। सबसे पहले देखिए ब्रांच आ रहा है क्या, हाँ सर ब्रांच कहाँ है, दो ब्रांच है, दो ब्रांच कौन सी, ये वाला वाला, यहाँ से क्या, इसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन, तो क्या बोल देंगे, ब्रांच जुड़ा, इसको बोल देंगे हम लोग इथाइल, कितना नंबर पर, टू नंबर, लिखेंगे टू इथाइल, सब नाम उसी तरह चलने वाला जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, टू इथाइल हो गया, उसके बाद कहीं ब्रांच दिख रहा है कि नहीं, ब्रांच नहीं दिखा, उसके बाद क्या करना है, वर्ड रूट लेना, साइक्लो कंपाउंड तो है नहीं, उसको वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या क्या है, कितना कार्बन टोटल है, पांच, पांच को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट में मिथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट बोलते लिखेंगे पेंट, पेंट ने लिख दिया, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तब सर यहाँ पे आयन ग्रुप है, मैंने डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हमेशा नंबरिंग के साथ आएगा, और आयन ट्रिपल बॉन्ड भी हमेशा नंबरिंग के साथ आएगा, ठीक, तो डबल बॉन्ड कितना नंबर पर, वन नंबर पर, यहाँ पे वन ग्रुप लिखना पड़े, देखिए वन ग्रुप आप लिख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा किताब में नहीं भी दिया रहता है, लेकिन दिया रहता नहीं भी दिया रहता, यहाँ पर आप लोग अगर वन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बट टू थ्री आ जाएगा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक, तो वन लिख दिया, उसके बाद क्या, इन ग्रुप, मैंने इन ग्रुप लिख दिया, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, टू मिथाइल पेंट इन टू वन, इस तरह इसका नामकरण कर देंगे, आई होप लोगों को समझ में आ रहा है, उसको छाप लीजिए बड़ी तरीके से, उसके बाद मैं फिर इसका नाम करूंगा, ठीक, ये वाला इसका नाम है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा डायग्राम, इसको अपन अपना ऊपर हेडिंग बना रखिए, क्योंकि इसी इसी पर सारा जो नोमेनक्लेचर बनता है सब इसी पर बनने वाला है, ठीक है ना, इसको पहले, सबसे पहले मैंने नोमेनक्लेचर को जो क्लास स्टार्ट किया था, जहां पर सबसे पहले मैंने इसको समझाया था बढ़िया तरीके से, कि ब्रांच क्या होता है, साइक्लो क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, एल्केन वगैरह, सब बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था, फर्स्ट क्लास में मेरा देखिएगा उसमें बताया था, ठीक है ना, आई होप लोग छाप लीजिए, इसका नामकरण थोड़ा करते हैं, इसका नाम थोड़ा देख लीजिए, ठीक, तो आप लोग इसका नाम तो लिख ही लिए होंगे, ठीक है, इसको भी छाप ही लिए होंगे, अब इसका नामकरण करते हैं, थोड़ा समझने वाली बात ध्यान दीजिएगा, सब तो मेरे पॉइंट समझा नहीं, आप देखिए उस करना है, क्या करना है, हम लोग को लोकेशन पता होगी, सबसे पहले देखिए, जब भी आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बात पूछा जाए, बोला जाए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, या तो पैरेंट चेन, या तो लॉन्गेस्ट, या तो मेन चेन को, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन और पैरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट दोनों की है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन तो आप लोग निकाल लिए, लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है ये निकाल लिए मैंने, उसके बाद ब्रांच को ले तो ब्रांच ये वाला हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच है तो सबस्टिट्यूएंट को लेगा, ठीक है, इतना पता हो गया, अब नंबरिंग की बात है, उसके बाद नंबरिंग किधर से करना, नंबरिंग में मैंने हम लोग यहाँ से कर चुके थे, किस तरह से किए थे, यहाँ से किस तरह किए थे, नंबरिंग किए थे, सब जो हो गया, अब हम लोग को नाम लिखने के बारे में, तो नाम लिखने के बारे में जब भी आए तो आप लोग को पता क्या होना चाहिए, कि यहाँ पे तीन कार्बन, तीन कार्बन जो है सब ब्रांच बने, वो ब्रांच में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का ही पार्ट है, तीन कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफाइल, यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर पर, देखिए वन टू थ्री फोर नंबर पर लिखेंगे, फोर प्रोफाइल, ठीक, फोर प्रोफाइल, प्रोफाइल लिख दिया, उसके बाद कितना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, साइक्लो कंपाउंड तो है नहीं, उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या है, कितना, हेक्स, हेक्स को क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक, उसके बाद क्या, एन एन, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, हाँ सर डबल बॉन्ड कंटेन किया, कौन कंटेन किया, इन, तो इनको हम लोग क्या लिखेंगे, नंबरिंग देंगे, तो इन कितना कितना, एक वर्ड वन नंबर पे, मैंने बोला ना जहां से स्टार्टिंग होता है वहां पे लेना, देखिए इसके लिए से देखिए, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्टिंग होता है उसी कार्बन को आपको नंबर वन लीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग किया तो कार्बन को नहीं वन, ये हो गया, ये क्या हो गया, टू, इसको नहीं मानिएगा, ठीक है, नाम मानिएगा, इसके लिए देखिए वन हो गया, इसके लिए टू हो गया,
ठीक है ना, दोनों कार्बन को मतलब इस तरह से निकालना, जहां से मतलब जिधर से आप स्टार्ट कीजिएगा और जो पहला कार्बन आएगा उसी को आपको, उसी कार्बन के लिए आपको डबल बॉन्ड को मतलब मानना है कि डबल बॉन्ड के लिए ए वाला है। तो इस कार्बन को जो मैंने लिया तो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा ए वाला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1p है, 2p है और कितना पे 5p है, ठीक है। 6 पर नहीं लेना, 5p है। क्या लिखेंगे मैंने 1 ठीक 2 एंड 6 और 3, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, अगर तीन डबल बॉन्ड रहेगा, सॉरी डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या मानेंगे लोग, लिखा हुआ ट्राइन, उसको लिख देंगे ट्राइन। इस तरह से आपको नामकरण करना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब बोलिएगा सर आपने तो बता दिया हम लोग को डबल बॉन्ड के बारे में, कंडीशन बता दी। देखिए ट्रिपल बॉन्ड का कंडीशन में भी इसी तरह से होने वाला, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला, ठीक है ना, उसमें भी उसी तरह से होने वाला, बस आपको चेंजिंग कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे आयन ग्रुप आ जाएगा। जिस सपोज दैट इसी को मैं करना चाहूंगा बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड इसका ले लिया तो नहीं हो पाएगा, क्यों ना, 3 2 5 कार्बन एटम का भी 5 बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं। इसको अगर चेंज करना चाहेंगे ना हम लोग, ऐसा करते मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे इसको नाम कर दूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा के यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा ही दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊंगा ना तो 3 2 5 नहीं होगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक, ध्यान दे, समझ में बात को ना, पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन को तो मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, बट इसको हटा सकता हूँ क्या, 3 4 5 हो जा रहा है, समझ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कार्बन एटम कितना, कार्बन एटम के पास टेंडेंसी कितना होता है, उसके बाद टेट्रा वैलेंसी का कारण जो है सो 4 बॉन्ड बनाने को उसके पास कैपेसिटी होता है, इतना आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका करता एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ऐसा करता हूँ, यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे एच दे देता हूँ, ठीक है, एच दे दिया, इसको मैंने यहाँ से बढ़ा दिया ट्रिपल बॉन्ड, इसको भी हट जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे कुछ सीच, बन गया ना, ठीक। नंबरिंग मुझे उसी तरह से होगा, लॉन्ग चेन मुझे सब उसी तरह, जिस तरह से मैंने बताया लॉन्ग चेन इस तरह से होने वाला है, नंबरिंग उधर से होने की, जो ट्रिपल बॉन्ड मतलब आ रहा है जो ट्रिपल बॉन्ड वो कहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 1 नंबर, ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 एंड 6, 6 लॉन्ग चेन बन गया। उसी तरह इसका भी नामकरण करेंगे, सबसे पहले क्या है ब्रांच मेरा तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, कितना नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर क्या लिखेंगे, कितना 2 है ना, 3 इथाइल, इसको और ब्रांच कहीं पे है क्या, नहीं, लॉन्ग चेन कितना बना मेरा, वर्ड रूट कितना, वर्ड रूट क्या 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स को, ठीक है। क्या है नंबरिंग इसको देना पड़ेगा, कितना नंबर, 1 में, क्या है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल क्या बोलेंगे, आइन, इस तरह से नाम लिख देंगे आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल मतलब ट्रिपल बॉन्ड 3 आ जाए, ठीक है ना, सपोज दैट 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसका भी नाम इस तरह से कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बना देता हूँ, उसको बहुत गंदा हो गया क्या, इतना समझ, इसको पहले आप लोग छाप लीजिए इस टाइप से, इसको तो बहुत जरूरी छापना है, जो मैंने बताया दो तीन तो जो मैंने बताया उसको तो मैंने मिटा दिया। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो फिर से थोड़ा पीछे करके वहाँ पे पॉज करके उसको उतार दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम्पल है, उसी जो मैंने यहाँ पे आप लोग समझाने का कोशिश किया है ना, उसी को मैंने यहाँ पे आप लोग को समझाया है, उसी चीज को यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया, ठीक। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक। मैंने डबल बॉन्ड को बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड को बता दिया, अब मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में लेता हूँ, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ को लेकर के दोनों को नामकरण करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। तो छाप लीजिए इसको, देखिए समझिए कुछ, मैं एग्जांपल लिया हूँ, थोड़ा समझिए, कोशिश कीजिएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट किधर से लूंगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया लॉन्गेस्ट चेन जो भी लेना था वो लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से लेना है जो कार्बन एटम को, मैंने कार्बन एटम का साथ तो कंटेन करेगा, उसके साथ साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सके, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये बनने वाला है। काउंटिंग हमको उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट पॉइंट पे बन सके, तो नियरेस्ट पॉइंट पे इधर से बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक, 7 आ गया ना। अब देखिए उसको नामकरण कैसे करना, सबसे पहले क्या करना है, हमको ब्रांच लिखना, ब्रांच तो यही वाला है, इसको लिखेंगे कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 इथाइल, ठीक, 3 इथाइल लिख दिया। फिर लॉन्गेस्ट चेन कितना बना, 7 7 क्या बोलते हैं, हेक्सेन, हेप्ट बोलते हैं ना, हेप्ट, हेप्ट मैंने लिख दिया। उसके साथ में क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का नंबर उसको करेंगे, तो 1 नंबर पे आया, और कितना नंबर, 4 नंबर, 4 कितना, या 2 है, इसे लिखेंगे डाई याइन ग्रुप, क्योंकि एल्केन एल्काइन ग्रुप, इसलिए मैंने इसका नाम दिया। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसको देखिए इस तरह से करना, क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है ना बॉन्ड लाइन रिडक्शन को बोलते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक। तो लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगा, एक्चुअली यहाँ पे ब्रांच तो है नहीं, तो लॉन्गेस्ट चेन यही वाला बनने वाला है, ठीक है, इसमें ब्रांच तो नहीं है। काउंट कीजिए किधर से आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें आपको प्रायोरिटी बहुत मतलब कम कंडीशन में होता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी जो होता है
मतलब कभी प्रायोरिटी का कंडीशन आता है, मैं इसके बाद में बताने वाला हूँ कि डबल और ट्रिपल वन कंडीशन में ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलती है। एक्चुअली में जो ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है उसको दिया जाता है डबल वन को, ठीक है ना, सिंगल ट्रिपल वन को थोड़ा कम दिया जाता है। अगर दोनों सेम आ जाए बताऊंगा मैं कब वो कंडीशन कब आने में, देखिए कुछ कंडीशन जब आएगा तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है उस कंडीशन में। पर यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए एक्चुअली आपको अब रखना है कि डबल बोन ट्रिपल बोन्ड में नंबरिंग जो करना है तो डबल बोन ट्रिपल बोन जो नजदीक आएगा उसी करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए इधर से मैं काउंट करना चाहूंगा तो यहाँ पे डबल बोन कितना नंबर वन पे आता है, इधर से मैं काउंट करना चाहूंगा वन टू तो ट्रिपल बोन कितना नंबर पर टू पे आ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डबल बोन ट्रिपल बोन्ड में काउंट उधर से करना है जिधर से डबल बोन ट्रिपल बोन दोनों में से कोई जो नियरेस्ट बोन पे आ सके, नियरेस्ट बोन पे यही आ रहा है ना, इधर से मैं कर दूंगा वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक हो गया ना। काउंट कीजिए क्या कुछ तो है नहीं, कितना पांच ने पांच बोलेंगे पेंट ब्रांच तो है नहीं इसमें ना, ना क्या है उसके बाद ए वाला। अब देखिए यहाँ पे तो ए वाला है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देखिए, अब बोलिएगा सर यहाँ पे किसको नाम पहले लिखूं, इन को लिखूं या आइन को लिखूं, तो किसको पहले लिखा जाए। अल्फाबेटिकल देखिए पहले कौन आ रहा है, ई या आई, वाई आ रहा है तो पहले ई आई, इसलिए मैंने इन ग्रुप को दिया वाई ग्रुप हटा दिया। ये सब मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग बढ़िया तरीके से हर एक वीडियो को देखते आएंगे तो कहीं दिक्कत होने वाला आप लोगों को नहीं है। तो मैं किसका नाम करूंगा पहले करूंगा ई करूंगा, तो ई ई हो गया, ठीक। अब देखिए यहां से बात और आ रही है, यदि A E I वो U अगर साथ में कभी आ जाता है ना और Y, तो आपको E को हटा देना है, दोनों एक साथ में कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे E लिखा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं इसका नाम करता हूँ थ्री आइन है, तो आइन ग्रुप लिख दिया मैंने, ठीक। अब देखिए मैंने बताया ना अगर ये दोनों साथ में हो सकता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अगर दोनों में से कोई एक आए तो इसको आपको हटा दीजिएगा, तो यहाँ से E को हटा दीजिएगा, इस तरह से नाम कर दीजिएगा पेंट इन थ्री आइन, आई आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको भी देखते हैं इस तरह से वन बनाते हैं, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेशन मेरा तो यही बनने वाला है, लॉन्गेशन कौन सा बनेगा यही बनने वाला है, ब्रांच बट इसमें ब्रांच इफ हो रहा है, ऐसा नहीं कि काउंट इधर से करना बैठ जाए वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा नहीं, जिसमें लॉन्ग मेरे को डबल वन ट्रिपल वन मिले मैक्सिमम नंबर में और जिस चेन में उसी उधर से काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग मतलब लॉन्गेशन, लॉन्गेशन तो यही बनने वाला है मेरे को ना सबको बनने वाला है। काउंट किधर से करेंगे, इधर से करते वन टू नंबर, इधर से वन नंबर, इधर से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक। अब देखिए ब्रांच में आ रहा है, ब्रांच में देखिए कार्बन यहाँ पे कार्बन दो कार्बन, इसमें क्या बोल देंगे इथाइल कितने नंबर पे है, थ्री दो लिखेंगे थ्री इथाइल लिख दिया, ठीक। उसके बाद कितना कार्बन छह छह को क्या बोलेंगे हेक्स, कुछ है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है क्या, सिंगल बॉन्ड तो है सर बट डबल बॉन्ड कंटेन कर, डबल बॉन्ड जब भी कहीं भी एक को कंटेन कर देगा मानी वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, एल्किन ग्रुप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे वन लिखूंगा, ठीक। उसके बाद कितना नंबर पे है, कितने नंबर पे चार नंबर, बिल्कुल चार, उसके बाद क्या करूंगा नाइन, इस तरह से नामकरण करना है, आई होप लोगों को बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा, इसका नाम करना उससे कर देंगे। देखिए इधर से क्या करना है हमको, इसमें उस तरह से करना पड़ेगा, जाहिर सी बात लॉन्गेशन तो यही बनने वाला है, काउंटिंग इधर से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक। नंबर क्या है इसमें ब्रांच ऊपर आ रहा है, तो ब्रांच को क्या ब्रोमो बी फोर बी बी आर फोर ब्रोमो, इसका नाम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह से क्या लिखूंगा हम लोग, लिखेंगे टू ब्रोमो कितना वाटर रूट है टोटल सिक्स, सिक्स को क्या बोलते हैं हेक्स, एन ग्रुप एल्किन ग्रुप दोनों ग्रुप है, तो पहले किसका नाम करेंगे, पहले ई को करेंगे क्योंकि पहले इन ग्रुप पहले आता है एन ग्रुप आगे, पहले लिखूंगा इन ग्रुप को, तो इन ग्रुप कितना नंबर में वन में, लिखूंगा वन इन ई को तो हटा दूंगा वाई ग्रुप आ रहा है, ठीक है लिख देता हूँ वन हटा दूंगा, उसका कितना नंबर तीन नंबर पे आया, तीन को क्या बोलेंगे थ्री आइन, इसको तो हटा दूंगा यहाँ पे वाई आ गया, इस तरह से नामकरण करना है, आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो कंफ्यूजन होने वाला जो चीज आने वाला इस तरह से कुछ आएगा यहाँ पे आने वाला कंफ्यूजन आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर डबल वन इधर ट्रिपल वन, बट काउंटिंग करें तो करूं क्या, दोनों सेम से देखिए इधर से भी एक नंबर पे आ रहा है इधर से भी, अगर मैं डबल बॉन्ड की ओर से काउंटिंग करूं तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड की ओर से काउंटिंग करूं तो एक नंबर पे आ रहा है, तो इसको प्रायोरिटी में देना किसको है, तो प्रायोरिटी में जो देना की बात आएगा उसमें डबल बॉन्ड को देना है, ठीक है। किसको देंगे, उसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम लॉन्गेशन तो ये बनने वाला है बट काउंटिंग इधर से करेंगे ना डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव हो गया ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा उसी तरह से कितना पांच पांच को लिखूंगा पेंट, ठीक पेंट कितना नंबर पे आया वन नंबर, लिखूंगा वन ई यहाँ से ई तो हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर पे आया फोर आइन, इस तरह से इन लोगों का नामकरण करना, आई होप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, यदि आप लोग ध्यान पूर्वक देख लेंगे, ठीक। अब मैं इसको मिटाता हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लो एल्किन ग्रुप, ठीक है। देखिए पांच नंबर रूल है, थोड़ा समझिए, जो मैंने इसके पहले आप लोग को बताया था ना कि अगर ऐसा कुछ केस आ जाए कि डबल वन और ट्रिपल वन में लड़ाई हो जाए, क्योंकि किसी को पता नहीं है आज के टाइम में किसके साथ क्या लड़ाई हो जाए, भाई भाई में भाई नहीं रहा था, फिर इसके इसमें क्या है कि दोनों भाई हमेशा रहे साथ में, ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो जाता है बंटवारा का, कि
पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाए, बड़ा को, डबल बोन को या ट्रिपल बोन, थोड़ा समझिए। इफ बोथ साइड दी नंबरिंग ऑफ डबल बोन और ट्रिपल बोन, ठीक है, अगर दोनों साइड से नंबरिंग डबल बोन और ट्रिपल बोन को सेम हो जाए, तो द नंबरिंग विल बी फ्रॉम द साइड ऑफ डबल बोन, तो नंबरिंग जो होगा फ्रॉम द साइड ऑफ डबल बोन, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। तो आपको जो प्रायोरिटी देना है किसमें ज्यादा देना है, डबल बॉन्ड में देना है ट्रिपल बॉन्ड के अपेक्षा। बहुत कम कंडीशन बनता है इस टाइप से, बट 100 कंडीशन में क्या होता है, दोनों हाई होता है, दोनों हमेशा साथ में रहता, दोनों कभी भी बिछड़ता नहीं। नंबरिंग दोनों को जब कभी क्या जिस तरह से होता है मैंने बता चुका है, जो पहले आएगा नंबरिंग उसको पहले करना है, बट कभी कभार कंडीशन में हो जाता है क्या कि दोनों के पास लड़ाई हो जाता है, मैंने दोनों सेम कंडीशन पर आ गया, तब जो है प्रायोरिटी आपको देना है किसको, डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए इधर से मैं काउंट करता हूँ, इधर से वन नंबर, इधर से काउंट, इधर से नंबर, यहाँ पे हम लोग फंस गए, यहाँ पे टाइप हो गया, तो जब टाइप हो गया तो आप लोग किसको प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को दूंगा 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ये वाला आपका क्या ब्रांच हो गया, किसका, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, इतना आप समझ, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मैं बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इतना समझ में आ गया, अब देखिए यहाँ से क्या कौन इसका नामकरण कैसे करके ब्रांच को क्या नाम देंगे, ब्रांच कितना 4 में लिखा है, 4 इथाइल लिख दूंगा, हम लोग 4 इथाइल ग्रुप लिख दिया मैंने, कुछ क्या हो गया ये, चलिए 4 इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसका नाम क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या है 5-6 है ना, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं ना, हेक्स हो जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल दोनों कंटेन कर रहा, डबल बॉन्ड में ट्रिपल, पहले किसको लेंगे हम लोग, इन ग्रुप को लेंगे, तो कितना नंबर, 1 नंबर, 1 इन, ठीक, 1 लिख देंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखेंगे 5 आइन, ठीक। यहाँ पे गलती क्या है, इसको ई को हटा देंगे कि दोनों साथ में आ नहीं सकते, हम बताएं ए आई वो यू, ए आई वो यू, वाई आ जाए साथ में तो किसी एक को हटा देना, साथ में दोनों को भी नहीं रख सकते, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने बढ़िया तरीके से सजावट के अनुसार लिया, ये जो है ना इसमें कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट लेके मैं समझाने की कोशिश किया, क्योंकि इसके पहले जस्ट मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का डिटेल पूर्वक समझाया है, और उसके साथ ही साइक्लो एल्किन कंपाउंड इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था, क्यों ना इसको रिवाइज यहाँ पे कर दिया जाए, ठीक। देखिए लोगे जाहिर से बात यही बनने वाला है, काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग दोनों साइड से, अगर इस साइड से करता हूँ तो एक नंबर पे, इधर से भी करता हूँ तो एक नंबर पे, दोनों साइड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लड़ाई हो गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में लड़ाई हो गया, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक। इसको प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड की, काउंटिंग इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या है, ये तो ब्रांच है, बट ब्रांच में ब्रांच है, अब बोलिए जैसे पता आपको कैसे चला, देखिए एक कार्बन यहाँ पे, 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 देखिए अगर मैं इसको लॉन्गेशन लेना चाहूँ तो लॉन्गेशन किधर से लेना पड़ेगा, 1, 2, 3 इधर से भी 3 आ रहा है, 1, 2, 3 इधर से भी 3, 1, 2 नंबर, लॉन्गेशन किधर से बनने, या तो आप इधर से लीजिए या तो इधर से लीजिए, हम लॉन्गेशन इधर से ले लिया, तो मेरे लॉन्गेशन, अगर ये लॉन्गेशन मैंने इसको लिया यहाँ पे, अगर मैं इसको लॉन्गेशन ले, ब्रांच बन रहा नहीं बन रहा, देखिए दोनों ब्रांच बना नहीं बना, तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांच में ब्रांच है, ये तो ब्रांच आपके मेन चेन से तो जुड़ी गया, बट इसमें ब्रांच ब्रांच, इसमें बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसका नामकरण क्या है, मैंने बताया समझाया इसके पहले में, कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का मतलब नोमेनक्लेचर किया जाए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट जो होता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, किसके अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और उसके साथ आयल ग्रुप लगता है, ठीक है ना। और जो काउंटिंग किया जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन बनने वाला, तो लॉन्गेस्ट चेन कहां से हमको स्टार्टिंग करना है, कार्बन की स्टार्टिंग कहां से करना है, तो उस कार्बन को वन नंबर देना है जो कार्बन मेन चेन से बना, तो मेन चेन इसमें कौन सा है, तो मेन चेन इसमें ये वाला है, तो इस मेन चेन से कौन डायरेक्टली अटैच, तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच, इसका नाम करेंगे, इसका नंबर देंगे 1, इधर 2, इधर 3, ठीक है, 1, 2, 3 हो गया। इतना समझ में आ गया, पहले मैं इसका पहले ब्रांच का काम किया, पहले मैं इसको ब्रांच का काम करूंगा, ब्रांच में ब्रांच थ्रू बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, तो ब्रांच कितने नंबर पे है, मेन चेन के अनुसार 3 नंबर, मैंने 3 दिया, ठीक। उसके बाद क्या बोला कि ब्रैकेट के अंदर लिखना कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग, कितना नंबर पा रहा, देखिए पहले देखिए इसमें ब्रांच कौन कौन सा, 2 है 3 है, मैंने इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, पहले किसको देंगे, इथाइल ग्रुप, तो लिखेंगे 1 इथाइल, ठीक है, 1 इथाइल 1 मिथाइल, कितना हो गया आपका। उसके बाद क्या है, प्रोपाइलथीन कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपाइल बोला गया है कि मतलब उसके बाद जो आपको लॉन्गेस्ट चेन लिए हैं उसके साथ किसके यहाँ पे प्रोपेन नहीं लेना, आयल ग्रुप के साथ लेना, क्योंकि यहाँ से कार्बन एटम को हटाए, हाइड्रोजन एटम को हटाए, इसलिए बोल दिए। उसके बाद काम आगे करना है, क्या करना है, उसको यहाँ से करेंगे कितना इसका मैं कार्बन जो मैं लॉन्गेस्ट चेन उसके लिए काम करेंगे, कितना नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर कौन क्या बोलते हैं, हेक्स ग्रुप बोलते हैं, मैंने हेक्स ग्रुप बोल दिया, ठीक। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करें, इसको पहले किसको लेंगे, तो पहले हम लोग लेंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आता है, आइन बाद में, पहले डबल बॉन्ड में ई को लेंगे, कितना नंबर, 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन, ठीक है, ई को हटा दिया क्योंकि यहाँ पर आइन ग्रुप आने वाला है, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर, 5 नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड 5 नंबर पे ना, उसको लिखेंगे आइन। अब इसको यहाँ से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑय आ गया, इस तरह से नामकरण करना है। समझ
सपोज समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, 100% समझ में आ रहा है, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट से पढ़िएगा तो समझ में बढ़िया तरीके से आने वाला है, ठीक। अब ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो साइक्लोइल्किन। तो आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ, बस जाने से पहले इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाला है उसको आप लोग छाप लीजिएगा, उसके बाद मैं समझाने वाला हूँ उसमें साइक्लोइल्किन हो नहीं पाएगा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो आज में जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले उसमें पढ़ने वाले की जैसे हम लोग जैसे मैंने हम लोग जैसे मेरे पास CH2 ग्रुप है, क्या है C2CH3CH2 यही था ना, यही था ना। इसके हम लोग इससे हम लोग एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिए थे, हम लोग क्या बोलते थे सपोज मैंने यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो क्या बचा था, कुछ इस टाइप से बचा था, इसी टाइप से बचा था ना। इसका नाम हम लोग क्या बोले थे, इसका नाम बोले थे हम लोग इथेन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्लास में लेने वाला हूँ, इसका हम लोग नाम क्या करती थे इथाइल। उसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से देख रहे हैं ना, जैसे देखिए यहाँ तक देखिए इसको क्या करूं मैं, क्या करूं इसको उतार लिया आप लोग, क्या इसको उतार लीजिए, मैं उसको मिटा देता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझिए। कल मैं उसको क्लास लेने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा कल का क्लास में, ठीक है। जो मतलब आना जाता मतलब आया आता है ना एग्जाम में कुछ इस तरह से, देखिए लॉन्गेशन तो मेरा ये बनने वाला है, डबल बोन ट्रिपल बोन की जो बात यहाँ पे आने वाला है, बट कभी कभार कंडीशन में होता है कि इस तरह आ जाता है, समझ रहे ना, कभी इस तरह से आ जाता है। इसमें से आपको 100% एक को तो सब्स्टिट्यूएट करना पड़ेगा, एक को सब्स्टिट्यूशन माना पड़ेगा। हम तो बोले हैं कि आपको काउंटिंग उधर से करना है जिधर से आपको मैक्सिमम नंबर डबल बोन मिल सके या तो मैक्सिमम नंबर ट्रिपल बोन मिल सके। तो अगर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी 7 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी आ रहा है, तो एक को सब्स्टिट्यूएट करना पड़ेगा ना, या तो आप इसको करें या तो इसको करें या तो इसको करें, सपोज मैंने इसको कर दिया तो लॉन्गेस्ट मेरा ये हो गया, ठीक ये हो गया। बट इसका नाम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था हम लोग इथाइल ग्रुप लिख देते थे, यही लिखते थे ना, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप बना था बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना, तो इसका नाम क्या लिखेंगे थोड़ा समझिए, ठीक है। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, इसके जो नेक्स्ट क्लास आने उसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली इसका जो नाम होता है उसका नाम होता है इथिनाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इथिन कंपाउंड है, इथिन है ना, इसको इथिन बोल सकते हैं हम ना, अब इथिन से हाइड्रोजन एटम निकला है इसको बोलेंगे इथिनाइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे इथिनाइल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है इसी पर दो तीन को क्वेश्चन रहेगा, और उसके साथ ही साथ मैं आप लोग वहां पर बताने वाला हूँ, देखिए इथिनाइल वगैरह भी कैसे होता है, इथेनाइल होता है, प्रोपेनाइल होता है, ये सब कैसे कैसे आते हैं इसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एल्किन ग्रुप में भी कभी कभार बनता है, क्या एल्किन ग्रुप बनता है, जिसमें बोल दिया इथिन होता है ना इथाइन, तो हम बोलेगा इथिनाइल ग्रुप, इथिनाइल ग्रुप ये भी आने वाले, जिससे वो ट्रिपल बॉन्ड निकल जाए तो इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इथिनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा समझाने वाला डिटेल प्रोग्राम में, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ साइक्लो एल्किन, वैसे साइक्लो कंपाउंड विच कंटेन दी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कंटेन करेंगे साइक्लो एल्किन बोल देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हो साइक्लो एल्कैन कंपाउंड बोल देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।